Hello everyone, welcome back to my channel. This is the best place to learn about content, freelancing and blogging. This video is a comprehensive guide on how beginners can earn money writing on Medium. Aaj ke is video mein I will focus on features that would help you succeed on this platform. मैं तुम्हें बताऊंगी कि मीडियम का पार्टनर प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, तुम्हें किस तरीके की स्टोरी या राइटअप्स लिखने चाहिए ताकि तुम मीडियम पे अर्न करना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि तुम कैसे अपनी स्टोरीज़ लिखो कि तुम्हारी स्टोरीज़ फीचर्स या क्यूरेट हो जाएँ और तुम्हारी अर्निंग्स और ज़्यादा बढ़ जाए। आई वुड सजेस्ट अगर तुम एक फ्रीलांस कॉन्टेंट राइटर हो देन यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट राइटिंग ऑन मीडियम। वो इसलिए क्योंकि मीडियम पे कोई लिमिटेशन नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं होता कि तुम्हें एक तरीके का या एक टाइप की स्टोरी या लिखनी है या उनकी कोई डेडलाइंस नहीं होती। अगर तुम्हारी स्टोरीज लोगों को पसंद आती है तो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट अर्निंग ऑन मीडियम। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो को शुरू करने से पहले कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न द सीक्रेट स्पाइसेज ऑफ अर्निंग फ्रॉम होम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू शुड नो व्हाट इज़ मीडियम, मीडियम पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, बायो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट स्टोरी कैसे डालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो मैंने मीडियम के बेसिक्स पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, कंसिडर वॉचिंग दैट वीडियो। उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मीडियम प्रोग्राम वर्क्स। मीडियम पे जितने भी रीडर्स या मेंबर्स होते हैं वो मंथली $5 पे करते हैं मीडियम पे लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए। अब इसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं मीडियम पे, अगर वो कोई भी आर्टिकल को पढ़ते हैं या कोई भी राइटअप को पढ़ते हैं तो उनकी मेंबरशिप का कुछ परसेंटेज उस राइटर के अकाउंट में जाता है। अब ये रेशियो किसी को नहीं पता कि कितना पोर्शन मेंबरशिप से राइटर्स के अकाउंट में जाता है। दिस इज़ अ सीक्रेट एल्गो ऑफ मीडियम। बट तुम्हें ये कोशिश करनी है कि तुम्हारा राइटअप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें ताकि तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। अब जिस राइटअप पे सबसे ज़्यादा क्लैप्स यानी कि लाइक्स आते हैं या जिस राइटअप पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उस राइटअप की अर्निंग ज़्यादा होती है। सो तुम्हें भी यही कोशिश करनी है कि तुम्हारे राइटअप पे ज़्यादा रीडर्स आएँ, ज़्यादा क्लैप्स आएँ और ज़्यादा कॉमेंट्स आएँ। इसीलिए तुम्हें अपना राइटअप को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखना होता है। Now comes the second question, how writers are paid on Medium. अब stories जिस पे member engagement ज़्यादा अच्छा आता है they are eligible to earn money on Medium. But अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी stories और ज़्यादा पैसा earn करें तो you have to make sure जितनी भी तुम्हारे write-ups हैं वो highlight हों, वो share हों, उन पर claps ज़्यादा आएँ और उन पर comments ज़्यादा आएँ। अगर ये चारों चीज़ें आएंगी तो you can earn a decent amount. बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी अर्निंग्स और ज़्यादा बढ़े, तुम्हारी अर्निंग्स $1,000 में होने लगे, सो यू हैव टू ट्राई कि जो तुम्हारी स्टोरीज़ हैं वो मीडियम के एडिटोरियल बोर्ड पे फीचर्ड हों। अगर फीचर्ड होंगे तो तुम्हें $1,000 मिलेंगे। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू ट्राई कि तुम्हारी जो स्टोरीज़ हैं वो मीडियम को क्यूरेट करें, और अगर क्यूरेट करेंगे तो तुम्हें $100 मिलेंगे। सो यू हैव टू ट्राई बोथ थिंग्स। चलो अब इस चीज़ को समझते हैं कि तुम कैसे अपनी मीडियम स्टोरीज़ को फीचर कर सकते हो। मीडियम पे स्टोरी फीचर करने के लिए यू शुड नो अबाउट मीडियम पब्लिकेशन हाउसेज। अब मीडियम के अपने कई सारे पब्लिकेशन हाउसेज हैं। अब जितने भी ये पब्लिकेशन हाउसेज हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर नीश या कैटेगरी पे बेस्ड हैं, तो तुम्हें सबसे पहले इनके सारे हाउसेज को जाके समझना होगा कि इनके नीश क्या हैं, इनके कैटेगरीज़ क्या हैं। फिर उनमें से दो या तीन या जितने भी तुम हाउस चूज़ करना चाहते हो वो चूज़ करके उनके नीश के अकॉर्डिंग स्टोरीज़ या राइटअप्स लिखने होंगे। राइटअप लिखने के बाद यू हैव टू मेल देम। अब मीडियम पे काफ़ी ज़्यादा राइटर्स इन पब्लिकेशन हाउस को मेल करते हैं, सो यू हैव टू बी पेशेंट। तुम्हें अच्छे से पिच करना होगा, तुम्हें एक बहुत अच्छा मेल ड्राफ्ट करना होगा, एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखनी होगी। और उसके अलावा आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि जो तुम्हारी स्टोरी का टाइटल है वो तुम मेल करते टाइम सब्जेक्ट में ही लिख दो, ताकि उनको अगर टाइटल पसंद आएगा तो दे माइट ओपन योर स्टोरी, दे माइट रीड इट एंड दे माइट फीचर इट। अब मीडियम पे अगर तुम्हारी स्टोरी फीचर होती है तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि तुम्हें एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। मीडियम पब्लिकेशन हाउस पे काफ़ी सारे रीडर्स हैं, तो अगर तुम्हारी वहाँ पे स्टोरी फीचर होगी तो तुम उसको काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और इन टर्न तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होगी।
इसके अलावा तुम्हें इसके थ्रू काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी मिल सकते हैं, अगर उन रीडर्स को जो कि उस पब्लिकेशन हाउस के साथ ज्वाइन है उनको तुम्हारा राइटअप पसंद आ जाता है तो मे बी दे स्टार्ट फॉलोइंग यू, और नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई भी स्टोरी लिखते हो तो दे माइट रीड दैट ऑल्सो. सो यू शुड ट्राई फॉर दिस. Now comes the second tip, how to increase your earning on Medium. That is, you should know how to get your story curated. Now, you are a beginner and you are still wondering कि कैसे तुम जो Medium के members हैं उनको लाके अपने write-up पे land कराओ. इसके लिए you should definitely know the art of curation. What is curation? मीडियम की एक एक्सपर्ट टीम है, यानी कि एक एक्सपर्ट टीम ऑफ क्यूरेटर्स है जो कि तुम जितने भी राइटअप्स लिखते हो उनको जाके पढ़ते हैं. पढ़ने के बाद इफ दे फील योर राइटअप इज गुड देन व्हाट दे डू इज दे क्यूरेट योर राइटअप एंड दे स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू डिफरेंट टॉपिक्स. अब जब तुम्हारा राइटअप क्यूरेट होकर डिफरेंट टॉपिक्स पे चला जाता है तो उन टॉपिक्स को जो रीडर्स फॉलो कर रहे होते हैं उनको तुम्हारा राइटअप दिखता है और फिर वो तुम्हारा राइटअप पढ़ते हैं. अब ऐसा करने से दो चीज़ें होती हैं, पहले तो तुम्हारे राइटअप पे अच्छा एंगेजमेंट आने लगता है, उस पर क्लैप्स आने लगते हैं, लोग उसको उनको पसंद आता है तो उस पर कमेंट करते हैं. उसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है कि अगर उनको तुम्हारा राइटअप पसंद आता है तो दे माइट स्टार्ट फॉलोइंग यू और इन टर्न तुम्हारी कम्युनिटी में एक अच्छी वैल्यू बनना शुरू हो जाती है. सपोज आई राइट अ स्टोरी ऑन हाउ टेनिस हेल्प मी टू मेंटेन अ फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग. अब अगर ये मेरी स्टोरी क्यूरेट हो जाती है तो इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू टॉपिक्स लाइक हेल्थ, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल. अब इन टॉपिक्स को जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनको मेरी स्टोरी दिखने लगेगी. अब बात आती है कि किस तरीके की स्टोरीज या राइटअप्स क्यूरेट होते हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर स्टोरी शुड बी वेल रिटन. तुम्हें अपनी स्टोरी में कोई एडवर्टिजमेंट नहीं करना है. यू शुड नॉट आस्क पीपल टू फॉलो यू. यू शुड नॉट प्रमोट योर सर्विसेज, ब्लॉग और एनी प्रोडक्ट. इट शुड बी अ क्लियर पीस ऑफ कॉन्टेंट. अब जो मीडियम है इट्स नॉट योर पर्सनल डायरी. ऑल दो यू कैन राइट एनी थिंग टू एवरी थिंग बट यू शुड मेक श्योर जो भी तुम स्टोरी लिखो दैट शुड एड वैल्यू टू सम अदर्स लाइफ. सपोज अगर तुम एक राइटअप लिखते हो जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशनल चीज़ें प्रोवाइड करता है या मुझे किसी भी वे में हेल्प करता है तो आई वुड डेफिनेटली फॉलो यू. इसके अलावा मैं ये भी कोशिश करूँगी तुम अगर आगे भी कुछ लिखो तो आई विल रीड इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे राइटअप्स मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं. अब यहाँ वैल्यू ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स ही लिखने हैं. You can also write stories that has humor, that have romance, love, peace, या तुम अपना own perception किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि ऐसी भी stories लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, especially the people who loves to read. अब इसके अलावा मैं तुम्हें एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न द आर्ट ऑफ क्यूरेशन. काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनकी काफ़ी सारी स्टोरीज क्यूरेट होती हैं, जैसे कि शैनन एशले या मार्क एंडरसन या गैरी विलियम्स. कोशिश करो तुम जितनी भी क्यूरेटेड स्टोरीज हैं उनको जाके इन डेप्थ पढ़ो, समझो कि उनका स्टाइल क्या है, उनका फॉर्मेट क्या है, वो किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से या क्या ऐसी वजह है उनकी स्टोरीज क्यूरेट होने की. तुम्हें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा. ऑल राइट, दिस इज नॉट इट. देर आर फ्यू लिमिटेशंस टू क्यूरेशंस ऑल्सो, स्पेशली फॉर बिगनर्स. अब जो क्यूरेटर टीम होती है मीडियम की, दे विल गिव यू मैक्सिमम ऑफ 12 to 15 चांसेस. अगर तुम्हारी पहली 12 to 15 स्टोरीज इन क्यूरेटर्स को पसंद नहीं आती हैं सो वॉट दे विल डू इज दे विल पुट यू ऑफ द क्यूरेटर्स लिस्ट. वो आगे तुम्हें हमारी स्टोरीज़ को पढ़ेंगे ही नहीं, चाहे तुम जितना भी लिख लो. सो एज अ बिगनर यू शुड मेक श्योर जो तुम्हारी 10 स्टोरीज़ हों या शुरू की 10-12 स्टोरीज़ हों वो तुम्हारा बेस्ट वर्क होना चाहिए. चाहे उसके लिए तुम 1 month, 2 month, 3 month ले लो, बट टेक योर टाइम, राइट द बेस्ट ऑफ योर स्टोरीज़. तभी तुम क्यूरेटर जो जेल है उससे बच पाओगे. ये भी एक टिप है, मेक श्योर यू फॉलो दिस टिप. Now let's move to the third tip, जैसे जिसको यूज करके तुम और ज़्यादा अर्न कर सकते हो मीडियम से. That is making your own publication house. Publication houses are good for somebody who loves to write on one specific category or who loves to write on one specific niche. इसके अलावा they are also good for people who love to write episodes of write-ups or a series of write-ups. अगर तुम इनमें से कोई भी हो तो you should definitely open your own publication house.
अब बात आती है कि पब्लिकेशन हाउस क्या है। पब्लिकेशन हाउस इज बेसिकली अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ रीडर्स, और यू कैन कॉल इट अ मैगजीन, जहाँ पे वो रीडर्स या वो मेंबर्स आके ज्वाइन होते हैं जिनको एक सिमिलर लाइन पे रीडिंग करना पसंद होता है। अब बात आती है पब्लिकेशन हाउस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि तुम इसके थ्रू अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे लोग आपस में आके इंटरैक्ट करेंगे, एंगेज करेंगे और तुम्हारी स्टोरीज़ पे या जो तुम्हारे पब्लिकेशन हाउस पे स्टोरीज़ होंगी उन पे कमेंट करेंगे, उनको शेयर करेंगे। उसके अलावा इसके थ्रू तुम अपनी एक सेट ऑडियंस बना लेते हो, एक अपना फॉलो अप बेस बना सकते हो। इसके अलावा इसका एक और ये एडवांटेज होता है कि जो तुम्हारे फॉलोअर्स होते हैं या जो तुम्हारे पब्लिकेशन हाउस में मेंबर्स होते हैं, उनको जाके तुम पर्सनली मेल भी कर सकते हो जब तुम कोई एक नई स्टोरी या राइटअप डालने वाले हो। अब जो तुम्हारा पब्लिकेशन हाउस होगा उसमें तुम्हें तुम्हारे फॉलोअर्स का ईमेल आईडी मिल जाता है, तो तुम जब भी कोई नई स्टोरी डालो उनको ईमेल करो पर्सनली जाके कि मैंने आज ये नया स्टोरी लिखा है इस टॉपिक पे, यू कैन गो एंड डेफिनेटली चेक इट आउट। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने राइटअप की इंगेजमेंट बढ़ाने का, उसके रीडर्स को बढ़ाने का और ज़्यादा अर्निंग करने का। नाउ कम्स माई प्रो टिप, वॉट काइंड ऑफ आर्टिकल्स यू शुड राइट ऑन मीडियम। आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू राइट स्टोरीज ऑन मेन स्ट्रीम टॉपिक्स। जितने भी मेन स्ट्रीम टॉपिक्स होते हैं, बेसिकली ग्लोबल टॉपिक्स, उन पे अपना पर्सपेक्टिव बताओ। बताओ कि कैसे एक इवेंट और कैसे एक इंसिडेंट लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तुम उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। एक स्टोरी थी ऑन डिजिटल एग्जाइल, हाउ आई गॉट बैंड फ्रॉम एयरबीएनबी फॉर लाइफ। इस स्टोरी में राइटर ने बताया है कि कैसे जो हाईटेक कंपनीज हैं अपना डेटा और पावर को यूज़ करके इंडिविजुअल लाइफ को रिस्क करती हैं। अब इस स्टोरी पे काफ़ी ज़्यादा रीडर्स आए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा क्लैप्स भी आए, क्योंकि यहाँ पे राइटर ने अपना पर्सपेक्टिव बताया था। सो यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम। जो भी ग्लोबल चीज़ें हैं उन पे अपना पर्सपेक्टिव बताओ। बताओ कि कैसे तुम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं जो कि लोगों की लाइफ को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूइन कर रही हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपनी स्टोरी में क्यूरियोसिटी डेवलप करो, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करो, और उसके अलावा यू ऑल्सो ट्राई टू राइट मेक इट अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें सबको पढ़ना पसंद आती हैं। अब कॉन्ट्रोवर्शियल के भी दो पार्ट होते हैं, किसी को पसंद आती हैं, किसी को नहीं पसंद आती हैं। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट लिखकर चले जाते हैं, बट यू डोंट वरी अबाउट दैट। अगर स्टोरी पढ़ी किसी ने तो वो ही सबसे बड़ी बात है, चाहे उसको पसंद आए ना पसंद आए, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। अब इसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, राइट एग्जेम्पलरी हेडलाइंस। हेडलाइंस आर वेरी क्रूशियल फॉर राइटअप्स ऑन मीडियम। जब भी मीडियम पे के तुम फ्रंट पेज पे जाओगे तो तुम्हें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस दिखेंगी, तो तुम्हें कोशिश करना है कि तुम्हारा जो हेडलाइन है वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव हो कि लोग उसको क्लिक करे बिना ना रह पाए। यू हैव टू मेक श्योर यू ऐड पर्सुएसिव वर्ड्स, कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स, पावरफुल वर्ड्स, एवरीथिंग टू योर हेडलाइंस। हेडलाइंस को एकदम अच्छा बनाना है। अब आई फील जितने भी मैंने तुम्हें टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं मीडियम पे अर्निंग्स बढ़ाने का या मीडियम से अर्निंग स्टार्ट करने का, यू विल ट्राई टू फॉलो ऑल ऑफ देम। और अगर तुम्हें अच्छा लगा है मेरा वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज DM मी, यू कैन मेल मी, और यू कैन इवन कॉमेंट डाउन बिलो। आई फील तुम अपनी मीडियम पे पहली स्टोरी जल्दी ही लिखने वाले होगे, और अगर लिख लेना तो डू शेयर द लिंक विथ मी, आई वुड लव टू रीड इट। Now, signing off for now, we'll meet you in my next video.